देखिए समाज में, भारतीय समाज में शिक्षा से वंचित रखना एक आइडियोलॉजी के रूप में काम करता है। महिलाएं नहीं पढ़ सकती, समाज का जो वंचित हिस्सा है वो नहीं पढ़ सकता, एक विचारधारा के तौर पर यहाँ स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है। अगर एक लड़की के खिलाफ अगर BHU में अगर रेप की घटना होती है तो ये पूरी सोसाइटी के लिए एक मैसेज होता है, एक डर होता है। आप सोचिए कि कितने घरों ने ये फैसला कर लिया कि हम अपनी लड़कियों को नहीं भेजेंगे। जब शिक्षा से वंचित करने का जब प्रोग्राम चलता है, सिस्टमेटिक प्रोग्राम है ये, जब चलता है तो उसके कई सेट्स होते हैं, कई लेयर्स होते हैं, केवल एक नहीं होता है। आज उल्टा चक्र चल रहा है कि जो सरकार के यूनिवर्सिटीज हैं उनको कैसे हम प्राइवेटाइज करें, PP मॉडल पे ले आए पहले, उसकी ऑटोनॉमी को ख़त्म कर दें। लेकिन आप कह रहे हैं कि कर्ज लेने के लिए आपको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, बाकी आपके अपॉइंटमेंट जो होंगे वो हमारे यहाँ से स्लिप जाएगा और आप उसको अपॉइंट कर लेंगे। कि जब शिक्षा न केवल कैंपसेस बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर असंतोष है पूरे देश में, लड़के लड़कियों, नए उम्र के लड़के लड़कियों में जिनके भीतर पढ़ने की लालसा पहली बार पैदा हुई है, पढ़ने की भूख पहली बार पैदा हुई है, और वैसे लोगों के लिए जो कुछ अभी किया जा रहा है वो उसकी शक्ल क्या है, इस पर थोड़ी मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूँगा। ख़ास तौर से समाज में जिन लोगों के बीच भूख पैदा हुई है पढ़ने की और जिनको कि बाहर रखने की कोशिश हो रही है, और जो लोग पहुँचे हैं उनको भी बाहर करने की तरह तरह से कोशिश हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये कैंपेन जो है वो एक हिस्टोरिक जो रोल है वो प्ले करेगा। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना बताना चाहता हूँ, आपका ध्यान लेना लगाना चाहता हूँ। देखिए समाज में, भारतीय समाज में शिक्षा से वंचित रखना एक आइडियोलॉजी के रूप में काम करता है। महिलाएं नहीं पढ़ सकती, समाज का जो वंचित हिस्सा है वो नहीं पढ़ सकता, एक विचारधारा के तौर पर यहाँ स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है। और जो लोग अभी तक पहुँचे हुए हैं या एजुकेट हो रहे हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि सोसाइटी के भीतर एक डेमोक्रेटिक लड़ाई जो है वो चलती रही है, उनकी देन है कि वो ऐसे लोगों का जिनके की खिलाफ आपने एक तरह से कानून बना रखा है कि इनको शिक्षा से वंचित रखना है, वैसे लोगों को यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में, इवन कि स्कूल में, और स्कूल और कैंपस, स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर भी एडुकेशन वो लेने की स्थिति में हैं या उनके भीतर एक भूख पैदा हुई। देखिए पहली जब शिक्षा नीति आई थी, कब आई थी सब, पहली शिक्षा नीति आई थी 69, और उस समय देश की पूरी राजनीतिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति ये थी कि पूरे देश में, पूरे भारतीय समाज में एक नई तरह की ऊर्जा का, एक नई तरह की चेतना का जन्म हुआ, विस्फोट हुआ। आप लोगों को मालूम होगा उस दौर में 9 राज्यों में संबित सरकार बनी थी, यानी मिलीजुली सरकार बनी थी, कांग्रेस का जो एक छत्र रूल था वो खत्म हो गया था 9 राज्यों में। आप समझ सकते हैं उस समय की, कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय समाज में उस समय किस तरह से लोग जो है आंदोलित हुए थे, और ये सारे सवाल वो मौजूद थे जो आज फिर हम उस पर बात कर रहे हैं। फिर दूसरा कब आया, दूसरा आया 86 में, आपको मालूम है 86 में आया। 86 में आने के बाद वो समय कौन सा था, वो भी समय ठीक यही समय था जिसमें आज हम लोग बैठे हुए हैं, हिंदुत्व का चरम। आप ये कल्पना कर सकते हैं, ये मिसेस गांधी की हत्या, स्वर्ण मंदिर में ब्लू स्टार ऑपरेशन, ये तमाम घटनाएं इसकी पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो पूरे समाज में जो आंदोलन चल रहे थे वो समाज में, और यूपी के आंदोलन में आप देखेंगे तो यूपी में जिस तरह से लोग नए तरीके से संगठित होकर आ रहे थे, तो वैसे में समाज के उन हिस्सों में बहुत भूख बढ़ी। अभी भूख किस में बढ़ी है पढ़ने की, अगर बहुत ऑनेस्टली हम बात करें, महिलाएं सबसे ज़्यादा अभी घरों से निकलने के लिए उनके भीतर एक भूख पैदा हुई है। आप चले जाइए जंतर मंतर पर, जितनी लड़कियां जिस समय, जितनी महिलाएं मिलती हैं इस समय, आप कब उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये उसका द्योतक है, इसका एक भूख का, कि कितनी उनके भीतर एक अपेक्षा, एक आशा, एक उम्मीद पैदा हुई है कि वो भी पढ़ लिख कर एक भारतीय नागरिक की तरह वो भी एक समानता हासिल करना चाहती है। फिर किसके भीतर भूख पैदा हुई है, भूख पैदा हुई है जो समाज का, जिसको कि हम दलित के नाम से पुकारते हैं,
जिसको कि हम आदिवासी के नाम से पुकारते हैं और जिसको कि हम अल्पसंख्यक के नाम से। आइए तमाम आप जितने तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें उनका पार्टिसिपेशन देखेंगे, इससे आपको अंदाज लग सकता है। और ये नई शिक्षा नीति वास्तव में ये शिक्षा नीति समाज के ऐसे ही लोगों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखने की कवायद है। और जो लोग शिक्षा व्यवस्था में पहुंच गए हैं उनको किस तरह से डी लर्निंग, यानी कि उनको कैसे हम शिक्षा से दिमागी तौर पर कैसे हम अशिक्षित रखें, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। और इसके तमाम डायमेंशन से एक तरह से नहीं होता है। अगर एक लड़की के खिलाफ अगर BHU में अगर रेप की घटना होती है तो ये पूरी सोसाइटी के लिए एक मैसेज होता है, एक डर होता है। मुझे याद है एक उड़ीसा में घटना हुई थी कि एक हॉस्टल में कुछ साल पहले कि वीडियोग्राफी हो गई उनके हॉस्टल की। अब आप सोचिए कि कितने घरों ने यह फैसला कर लिया कि हम अपनी लड़कियों को नहीं भेजेंगे। लड़कियां इसलिए नहीं पढ़ पाई कि दूर दराज उनको जाना होगा, लड़कियां नहीं पढ़ पाई। उसके कई डायमेंशन उसे जिसको मैं कहता हूं कि अंगूठा काटने के कई तरीके अब निकल गए, वो महिलाओं के एक तरीका नहीं होता है। ठीक उसी तरह से समाज में फीस हाइक कर दीजिए, फीस हाइक कर देंगे तो कौन पढ़ने जाएगा, किसकी किसके पास स्थिति ऐसी है कि जो 4 लाख 5 लाख जाए। और वो उसके बाद कल्चरली जो है सांस्कृतिक रूप से जो इन्वायरमेंट मिलता है वो क्या मिलता है, वहाँ पर एक कुंठा पैदा हो उनके भीतर। तो मेरा ये कहना है कि ये कई तरीके से और एक तरह से सोसाइटी में जब शिक्षा से वंचित करने का जब प्रोग्राम चलता है, सिस्टमेटिक प्रोग्राम है ये, जब चलता है तो उसके कई सेट्स होते हैं, कई लेयर्स होते हैं, केवल एक नहीं होता है उसमें। जैसे हॉस्टल नहीं मिलना, रोहित बेमूला को हॉस्टल से निकाला गया, उसने सुसाइड कर लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कई लेयर्स होते हैं, कई डायमेंशंस होते हैं जिससे कि समाज के ऐसे लोगों को आप शिक्षा से कैसे आप दूर रख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी शिक्षा नीति वही शिक्षा नीति है। इसमें कहीं से इंक्लूजन नहीं है कि इसमें हमको शामिल करना है, इसमें एक्सक्लूजन है, कैसे हम बाहर ढकेलें, पुश आउट करें, ये इस नीति का सेंटर पॉइंट है, ये पॉलिसी है, ये पॉलिटिक्स है। लेकिन सोसाइटी वो उन्हीं से नहीं चलती है जो रूल करते हैं गवर्नमेंट में, सोसाइटी उससे भी चलती है। और सोसाइटी को वही लोग बनाते हैं जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, और जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, जो आंदोलन है, उसको वो लगातार जारी रखते हैं। और उसमें उनका विश्वास है, भरोसा है कि सोसाइटी का निर्माण हम इसी तरह से करेंगे और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन हो सकता है, सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं या कॉलेजेस, जो नंबर बता रही थी नंदी सुंदरम, आप सोचिए कि उनका सरकारीकरण किसके दबाव में किया गया। अगर आंदोलन नहीं होते, बहुत सारे कॉलेज प्राइवेट खुलते थे पहले, और उसका सरकारीकरण किसके दबाव में किया गया, इसी तरह के कंपेन और इसी तरह के आंदोलन के दबाव में किया गया। बहुत सारे कॉलेज जैसे आज उल्टा चक्र चल रहा है, आज उल्टा चक्र चल रहा है कि जो सरकार के यूनिवर्सिटीज हैं उनको कैसे हम प्राइवेटाइज करें, PP मॉडल पे ले आए पहले, उसकी ऑटोनॉमी को ख़त्म कर दें। ऑटोनॉमी पहले आपने कभी नहीं दी, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए नहीं दी। अब आप कह रहे हैं कि कर्ज लेने के लिए आपकी ऑटोनॉमी है, कर्ज लेने के लिए, यानी कि आप में कर्ज लग जाए इसके लिए आपको ऑटोनॉमी है। क्या आप खूबसूरत खेल खेल रहे हैं ऑटोनॉमी के साथ? एक ऑटोनॉमी जो है, एक डेमोक्रेटिक जो एक जो स्ट्रक्चर है उसका एक आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कर्ज लेने के लिए आपको ऑटोनॉमी दे रहे हैं। बाकी आपके अपॉइंटमेंट जो होंगे वो हमारे यहाँ से स्लिप जाएगा और आप उसको अपॉइंट कर लेंगे, आप उसकी फीस हाइक करेंगे, हम आपको एक गाइडलाइन भेजेंगे। UGC का फॉर्म, UGC कैसे कहाँ से मैटर करता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में? वो केवल दिशा निर्देश दे सकता है, वो ऑर्डर नहीं कर सकता है। लेकिन UGC आज की तारीख में जो भी करता है ऑर्डर की शक्ल में करता है कि आपको करना है करना। ये ऑटोनॉमी कहाँ कॉलेज की रह गई है, यूनिवर्सिटी की कहाँ ऑटोनॉमी रह गई है? होना चाहिए, ये तो हम मांग कर रहे हैं कि ऑटोनॉमी हो, छूट दे सारे स्टूडेंट्स को, दे टीचर्स को, दें इस पूरी कम्युनिटी को, दें कि आपस में ये लोग। JNU जैसी संस्था में देखिए आप, कभी इलेक्शन कमीशन इसकी कभी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो एजुकेशन जो कम्युनिटी है वो आपस में ही मिलके वो एक इलेक्शन कमीशन बना लेते हैं और उससे चुनाव कर लेते हैं। पढ़ने पढ़ाने की क्लासरूम में भी पढ़ते हैं और क्लासरूम के बाहर भी पढ़ते हैं, एक जिसको मैं कहता हूँ बड़ा क्लासरूम, उन्होंने बड़ा एक क्लासरूम बना लिया है
जब बड़ा क्लासरूम बना लिया है तो ये सबसे ज़्यादा खटकने की बात है। उस बड़े से क्लासरूम पर जितना ज़्यादा अटैक हो सकता है वो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा। तो मैं ये आपसे ये जरूर कहूँगा कि आयशा के इस कंपेन को देश के फ्यूचर के लिए और आने वाले कई जनरेशंस के लिए आपको आयशा के इस कंपेन का सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न केवल स्टूडेंट्स बल्कि यूथ और जिनमें भूख है पढ़ने की, जो कुछ करना चाहते हैं देश के लिए समाज के लिए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े और उनको कम से कम समझने में आप सहयोग करें, बाधा ना उत्पन्न हो। जो कोई होता है कि किस तरह से आप मैसेजिंग करके, जिस तरह से व्हाट्सएप के जरिए आप मिस इन्फॉर्म और डिस इन्फॉर्म आप रखते हैं, कम से कम ये ना हो, इसमें आपका सहयोग, आपके सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।